मैं और डॉक्टर अवधेश पांडे एक बार फिर एक नवी विचार चर्चा दे नाल तुहाडे रूबरू होए हां ते अज दी जिहड़ी विचार चर्चा है ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ये लगता है कि लोग उनके डोले शोले देखते हैं, लोग उनका कमर देखते हैं और उनके मसल्स देखते हैं। ये सभी चीजें पासपोर्ट पे नहीं होती है, कभी गौर करिएगा। पासपोर्ट पे आपकी शक्ल होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शक्ल पूरा का पूरा बॉडी के हेल्थ को दर्शा देती है एक ही बार में, एक ही विजन में। वो देखने वाली गिद्ध आंखें चाहिए, हॉक आईज टू होम इन टू दैट। तो ये दिख जाती हैं। पहली चीज जो सबको दिखती है, अगर कोई 25-30 के बियॉन्ड का इंसान आया, अगर वो चश्मा पहना है तो पहली चीज ये है कि आंखें कुछ ठीक नहीं है। पहली चीज तो वो दिख जाती है। दूसरा, अगर कोई बाल पक रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं तो वो भी एलोपेशिया दिख जाता है। एलोपेशिया मतलब जो मेल या फीमेल पैटर्न ऑफ बैल्डनेस है, बैल्डनेस का के पैटर्न्स होते हैं, तो जो आपने आपने दिखा होगा साइड में जो बाल झड़ जाते हैं उसको मेल पैटर्न ऑफ बैल्डनेस कहते हैं। तो उससे ये दिखता है कि इसका एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा है, ये हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, अगर बाल पक रहे हैं, उम्र के हिसाब से मान लीजिए 30 साल का कोई है, उसके बाल ज्यादा पके हुए हैं, दैट मींस उसमें क्या क्या चीजों की कमी है, कौन सा जिंक, कौन सा मेटल, किस चीज की कमी है जिसके चलते बाल पक रहे हैं। बाल पक रहे हैं मतलब बाल सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं जी जी, वो फेस पे दिख जाता है। चौथा, आंखें दिखती हैं। आंखें एक रिप्रेजेंट, स्किन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल बॉडी एंड आईज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन अगर सरफेस में कहीं है तो आंखों के माध्यम से है। तो वो ब्रेन में भी आप स्नीक पीक कर सकते हैं। स्नीक पीक मतलब आप झांक सकते हैं ब्रेन में कि ब्रेन में क्या चल रहा है और बॉडी का आजकल मिजाज क्या है, वो फेस देख के मालूम हो जाता है। तो बालों तक तो हम आए, बालों के नीचे आते हैं फोरहेड पे। अगर फोरहेड पे रिंकल्स हैं ज्यादा, दैट मींस ये मतलब इंसान या तो बहुत पजल्ड है लाइफ में या बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा ये है, क्योंकि नहीं तो कुछ लाइंस वैसे होती हैं, वो डिफरेंट लाइंस हैं, लेकिन जो रिंकल वाली लाइन है वो फ्राउनिंग की लाइंस हैं, वो दिखती हैं, वो फेस पे दिखने लगती हैं। वो चिंता तो डिप्रेशन में है।
हाँ, तो वो लाइफ स्टाइल पता चल जाता है उसका। एक और बात है जो आईब्रोज है, आईब्रोज अगर यहाँ साइड से बैडनेस है, आईब्रोज कम है, इसका मतलब है हॉर्मोन्स की कमी है। कई और चीजें देख सकते हैं आईब्रोज में। आईब्रोज के नीचे आई लैशेज पे आ जाइए, आंखों के जो बाल हैं वो भी अगर ठीक नहीं है तो वो भी कई हॉर्मोन्स की कमी या मेटल्स की कमी बताता है। उसके बाद आंखों में आ जाइए, ब्लड शॉर्ट आईज आप देखेंगे, ये किसी की आंखें बिल्कुल लाल लाल धारियां दिखती हैं, लाल डोरे। इसका ये मतलब है कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, प्री डायबिटिक कंडीशंस में आया आईज ब्लड शॉर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तीसरा लीवर अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो आंखें पीली सी दिखेंगी, दैट मींस जॉन्डिस है। चौथा हीमोग्लोबिन अगर कम है तो चेहरा डार्क दिखेगा, काला दिखेगा, तो वो भी पता चल जाता है। तो आप देखिए, जो आंखों के नीचे का ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस से ये पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो भी दिख जाता है। आंखों का अगर ये स्किन है पतला है, दैट मींस ये एक्सरसाइज्ड बॉडी है। अगर वो मोटा है, दैट मींस ये आदमी का कोलेस्ट्रॉल या फैट ज्यादा है, मेल्स या फीमेल्स किसी का भी फैट ज्यादा है, वो फैट वाला खाना ज्यादा खाते हैं, इसीलिए वो आंखों पे दिखने लगती हैं। कई लोगों की आपने देखी होंगी चार चार आंखें दूर से दिखती है, दो आंखें तो हैं, दो ये इतनी बड़ी हो जाती है कि बाहर से लगता है कि चार आंखें हैं इसको। तो दैट इज ये डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट डिपोजिशन है। सॉल्ट आप जहां भी डिपॉजिट होगा, रिंकल्स का सबसे बड़ा कारण सॉल्ट है। आप देखिए, सॉल्ट आप ये कहीं भी रखें, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बॉडी में अगर कहीं सॉल्ट होगा तो क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वही सॉल्ट वाटर रिटेंशन ये आंखों के बीच में दिखती हैं। अगर आदमी सॉल्ट कम कर दे तो ये झुर्रियां चली जाए। तो ये जो कंपनीज के हम क्रीम्स लगाते हैं कि इससे झुर्रियां चली जाएंगी, ये बेचने के तरीके जरूर हो सकते हैं, ये सच नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपके डाइट पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। दूसरा, आपने ये देखा होगा यहाँ पर फैट आ जाता है, डबल चिन, यहाँ पर डबल चिन भी आया था, यहाँ पे फैट भी आ जाता है। फैट का मतलब ये है, यहाँ पे फैट आने का मतलब ये है कि या तो वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, क्योंकि फैट स्टोरेज में वो जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट बहुत खाता होगा वो इंसान, उसको हमेशा कोई ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, कुछ मतलब कुछ ना कुछ स्नैकिंग चाहिए, जिससे ब्लड शुगर उसका शूट हो रहा है, पैंक्रिया से इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है, शुगर सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर दे रही है। और फैट में, फैट को स्टोर करने का जरिया क्या है, सबसे पहले डिपेंडेंट पार्ट्स हैं जिस पे फैट स्टोर होता है। अगर वहां पर नहीं स्टोर हुआ तो फिर पेट में, फिर एब्स पे, सब जगह, और अगर वहां भी पूरा फुल हो गया, पहले लीवर में स्टोर होता है, लीवर के बाद डिपेंडेंट एरियाज में, उसके बाद पेट पे स्टोर होने लगता है, फिर बटक्स में स्टोर होता है, और अगर सब जगह पूरा फुल हो गया, हाउस फुल है, तो फिर स्किन मोटी होने लगती है और स्किन के नीचे फैट का लेयर आने लगता है। तो ये सभी बातें फेस पे बिल्कुल रीड की जा सकती हैं, अगर ठीक से कोई रीड करने वाली आंखें हो, बहुत सी बातें फेस पे बताई जा सकती हैं कि कैसे हैं और कैसे ये हेल्थ कैसा है, ब्रेन का भी और बॉडी का। अभी आपने जो बताया कि फेस के किस किस अंग में क्या क्या चेंजेस आए हुए हों, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर क्या खराबी है। तो क्या बीमारी भी पता चल जाएगी कि आपने शुगर तो बता दिया आपने, सॉल्ट भी बता दिया कि सॉल्ट ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बंदा ज्यादा खा रहा है वो भी बता दिया, क्या बीमारी भी
बीमारी भी बताई जा सकती है कि इसको ये बीमारी है और इसकी बॉडी जो है वो शो कर रही है कि इसमें ये प्रॉब्लम है और इसको ठीक किया जा सकता बिना, क्योंकि आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं तो आप तो डायग्नोस करके ही बताते हैं, लेकिन आपने आपकी तो आंखें जो रेडियोलॉजिस्ट बन डायग्नोस्टिक जो इक्विपमेंट बन चुकी है। मैं आपको बताऊं इसका एक मैं जवाब दूंगा, मालूम नहीं कितने लोगों को समझ आएगा। एक्सरे देख के तो सब बता सकते हैं, स्माइलिंग सेल्फी देख के पीछे के बंद छिड़कते आंसू कितने लोग देख पाते हैं, स्माइलिंग सेल्फी के पीछे कितने आंसू हैं, उसके लिए वो हॉक आईज चाहिए जो बिल्कुल देख लेती हैं कि उसके पीछे चल क्या रहा है। तो कई बातें, कई डायग्नोसिस, कई बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां फेस पे दिखती हैं, देखने वाली आंखें चाहिए होती हैं। तो हमें ज्यादातर चूंकि इतने पेशेंट्स को देखा, उनका कंपेयर करके देखा कि हाँ इनके इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ये आया, ये ऐसे दिखते थे, अब होते होते वो स्थिति आ गई है कि एक एक बार हमें दिखा दिया जाए तो हम बहुत कुछ बता देते हैं। अब आप देखिए फेस का एक बॉडी से प्रोपोर्शन होता है, किसी किसी का आपने देखा होगा फेस बड़ा होता है, दैट मींस वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, क्योंकि बॉडी के प्रोपोर्शन से ज्यादा फैट ये डिपॉजिट हो रहा है फेस पे और फेस बड़ा हो जाता है। तो नॉर्मली बड़ा फेस इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड हेल्थ, इट इज अ साइन ऑफ बैड हेल्थ। फेस हमेशा छोटा ही होना चाहिए, वो ठीक लगता है। तो बॉडी में अगर आपने बता दिया कि आंखें अगर येलो हैं तो उसमें उसका असर सीधा लीवर से डल रहा है, लीवर की वजह से जो है वो आंखें बता रही हैं कि ये गड़बड़ है। आंखों में लाल डोरे हैं तो उसकी वजह से आपने अलग से बीमारी बता दी है। फैट इकट्ठा हो रहा है तो उसके आपने अलग से तरीके से बता दिए। तो औरतों के, क्योंकि मैं हमारे चैनल के साथ जो है वो माँ माता बहनें और बच्चियाँ काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनके फेवर में आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि चेहरा जो है वो हर इंसान को सबसे पहले जरूरी लगता है, क्योंकि चेहरा जो है वो इंसान की जो दर्शाता है वो इंसान का जो फेस है वो उसी से पता चलता है कि इंसान कैसा है, इंसान की दिख उससे पता चलती है। तो चेहरे से सभी को प्यार होता है, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे चेहरे के साथ कुछ भी ऐसा हो जिसमें वो सुंदरता में कुछ कमी आए। तो औरतों को कुछ ज्यादा होता है, लड़कियों को कुछ ज्यादा होता है कि वो सोचती हैं कि मेरी सुंदरता जो है वो हर कोई देखे, हर कोई उसकी तारीफ करे। तो फेस के ऊपर जो है आपने बता दिया रिंकल्स, आपने बता दिया ऐसे ऐसे आई बैग्स आ जाते हैं उसमें, इस तरह से फैट इकट्ठा हो जाता है। तो चेहरे की सुंदरता को निखारने के लिए अभी जो क्या क्या कमियां आई हुई हैं वो कैसे ठीक कर सकते हैं उसमें? आपका बड़ा वाजिब क्वेश्चन है और इसका वाजिब जवाब ये है कि आप सरप्राइज होंगे ये बात सुन के, क्योंकि ये नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जिम ट्रेनर्स बता पाएंगे कि कितने डौले होने चाहिए और कैसे एक्सरसाइज करें तो डौले यहाँ पे मजबूत हो जाएं। तो आप देखें यहां से लेके यहां तक, शोल्डर से लेके यहां तक करीब करीब 18 मसल्स हैं, पेल्विस से लेके टो तक करीब करीब 26 मसल्स हैं, एब्स में 8 हैं, बैक में 8 हैं, फेस पे 43 मसल्स हैं, 43। अगर ये मसल्स को आप टोन अप नहीं करेंगे तो वो झूल जाएंगे। तो कौन सा जिम का इंस्ट्रक्टर आपको मसल्स को टोन, फेस के मसल्स को टोन करने की बात बताता है? उनको आइडिया ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है। सही बात है। फेस के मसल्स को एक्सरसाइज करने के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और चूइंग होता है, जितना ज्यादा आप चू करेंगे उतना ये मसल्स एक्टिवेट होंगे और उतना ज्यादा
वो होगा। इसीलिए हम पहले जो दातून करते थे, दातून में बहुत चू करना पड़ता था, जैसे आप एक पूरा नारियल खाते हैं आप चू करते हैं, जो आप अनकुक्ड रॉ फूड खाते हैं आप चू करते हैं, अगर और कुछ नहीं, गन्ना गन्ना भी, तो अगर और कुछ नहीं तो इस मसल्स को आप टोन अप कर रहे हैं तो फेस ज्यादा ब्राइट दिखेगा। और वही हम कुक्ड फूड ऐसे सिर्फ सूप पी लिया, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं वो बोलते हैं कुछ खाना मत सिर्फ सूप पी लेना, तो उनका मुंह चला नहीं तो मुंह झूल जाता है, डौले बन जाते हैं, वो आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। सही बात है, क्योंकि उसको डाइटिंग पे डाल दिया कि नहीं तुम खाना मत, जब नहीं खाएंगे तो ये मसल्स चलेंगे नहीं और ये मसल्स झूल जाएंगे, तो फेस अचानक बूढ़ा दिखने लगता है और डोले शोले आदमी यूं करके चलता, थोड़ा शर्ट फोल्ड कर लेता है कि लोगों को डोले दिखे, शक्ल कैसी दिख रही है उनको कोई आइडिया नहीं। अच्छा, तो शक्ल जो है वो, ये आपने बड़ी कीमती बात बताई है कि शक्ल जो है वो कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ डोलों के ऊपर ध्यान देता है, मसल्स के ऊपर ध्यान देता है। 43 मसल्स, 43 बोले आपने, 47 बोले, 43 मसल्स जो है वो चेहरे के ऊपर है, और जो लोग ज्यादा चबा के खाते हैं, चबाने वाली कोई भी चीज खाते हैं तो उनके फेस की एक्सरसाइज होती है। तो क्या ये सच्चाई है कि जो लोग ज्यादा चबा के चीजें खाते हैं इसी वजह से उनके चेहरे पर रौनक नजर आती है, उनका चेहरा स्किन की जी, वो स्किन चमकती रहती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही बात है। आप हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, उनके ये चेहरे पे जो चमक है वो 20 साल के लड़कों में नहीं होती है ज्यादातर, अगर आप देखें तो ये चमक कैसे आती है? कोई भी चीज आप अगर रॉ खाएंगे या दातून करेंगे, दातून करना बहुत ही अच्छी बात है। एक पहली बात, पृथ्वी को आप मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं, डायरेक्टली आप पृथ्वी को मुंह में डाल रहे हैं। दूसरा, आप जब चू करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उससे ब्रश करें, कभी नहीं, कभी नहीं। ब्रश करने के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट चीज चाहिए, क्योंकि गम्स जो है ना उसमें छेद हो जाएगा, चल जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ब्रश करने के लिए तो बहुत सॉफ्ट चीज उंगली भी काफी है, लेकिन चू करने के लिए दातून जरूर यूज करना चाहिए। और दातून से वो जो रस है ये पेड़ों का, वो भी इनडायरेक्टली आपके अंदर जाता है, वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो एक तो चेहरा भी प्रफुल्लित हो गया, चू भी कर लिया आपने, और वो भी हो गया, तो कई चीजें एक साथ हो जाती हैं। अगर किसी को दातून नहीं मिलता है, उसका एक उपाय है ये मुलेठी, मुलेठी के स्टिक्स आते हैं, आप उसको सुबह सुबह चू कर लें, वो बहुत हार्ड होता है लेकिन धीरे धीरे सलाइवा से जैसे मिक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और वो आप चू कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये किए जा सकते हैं, ये काम किए जा सकते हैं। तो इसमें गालों के मसल तो हो गए, फुलावट में आ गए, इसमें जो चिन भी है वो डबल चिन भी इसमें खत्म हो गई, ये तो है, लेकिन आंखें और रिंकल्स जो है वो यहाँ के, ये कैसे ठीक हो? कुछ फेस के तभी होंगे, कुछ फेस के कुछ एक्सरसाइज भी है, इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज है जिससे, इसके अलावा भी एक्सरसाइज, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर और आंखें उल्टी करके, ये भी कुछ है? ये सब भी है, लेकिन आप अगर ठीक से चू कर रहे हैं तो आप ये यकीन करके चलें कि ये सभी मसल्स काम आते हैं। ऐसा कोई मसल नहीं है फेस का जो चूइंग में काम नहीं आता है, चाहे वो छोटे से ये वाले मसल्स भी क्यों ना हो, एलाकी नजाई कहते हैं इसको, इस बहुत छोटा सा मसल होता है यहाँ पे, ये बहुत छोटा सा, इतना छोटा मसल होता है, इतना बड़ा नाम है उसका, उसका नाम बहुत बड़ा है, मैं जो डॉक्टर्स हैं वो ये बात समझेंगे, जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा नाम है मसल का वो सबसे छोटा मसल है, इतना छोटा मसल है, इतना बड़ा नाम है उसका। नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, एग्जैक्टली वैसे ही। तो ये सभी मसल्स चू करने से एक्सरसाइज होते हैं, सभी, फोरहेड के भी, यहाँ के भी, आईज के भी, आप कभी शीशे के सामने खड़े होकर चू करके देखें, आपको दिख जाएंगे कि सभी मसल्स चल रहे हैं, वो आपको दिख जाएंगे।
एक दिन में कितनी देर चूज करने से जो है चबाने से जो बॉडी टोन अप, फेस टोन अप हो जाता है, फेस जो है उस पर रौनक आ जाती है। ज्यादातर 45 मिनट्स आप अगर चू करते हैं 24 आवर्स में, तो फेस पे वो रौनक आ जाएगी। दिन भर चू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ये मेरा वीडियो देख के सोचेंगे कि दिन भर ये खाते रहे तो कम से कम चू करते हैं तो मोटे हो जाएंगे, और फिर ब्लेम करेंगे कि नहीं ये डॉक्टर साहब के चलते हो गए। हाँ यही मैंने तो जैसे बोला। मान लीजिए आप दातुन कर रहे हैं, तो आप कुछ कैलोरीज तो नहीं ले रहे हैं ना, आप सिर्फ चू कर रहे हैं, अपने मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है नारियल खाना। तीसरा तरीका है स्प्राउट्स खाना। स्प्राउट्स जो है वो आप लोग बोलते हैं थोड़ा बॉईल कर लें, थोड़ा हल्का कर लें, दांत में चबाने में दिक्कत है, वही लोग हैं जो बहुत जल्दी ओल्ड हो जाते हैं। अगर वो स्प्राउट्स को चू करते तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। अच्छा, ये तो बात आपने बता दी, च्यू कर रही चबाने से ही जो है वो मसल ठीक हो जाते हैं, चबाने से ही अंदर बॉडी के अंदर की जो कई चीजें, क्योंकि अगर चबा के चीज खाई अंदर चली गई, अच्छी तरह से चबा के चीज खाई, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट अच्छी तरह से उसको काम करेगा, उसमें रस जो अच्छे सही ढंग से बनेंगे, बॉडी के अंदर जो है वो पचेगा सही ढंग से, तो कई चीजें जो अंदर की ठीक होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिनके दांत नहीं है, जिनके दांत दुख रहे हैं, वो कहाँ जाएं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसलिए गम हेल्थ और टीथ हेल्थ सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए दांत नहीं है, तो ऐसे केसेस में च्यूइंग का एक्सरसाइज करना पड़ता है। यूं करके ना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आप ये सभी सभी मसल्स को एक्टिवेट कर पाए। दूसरा, कोई चीज ब्लो कर सकते हैं, जैसे शंख आपने ब्लो कर लिया, या कोई बलून फुला लिया, गुब्बारा फुला लिया, या कुछ, तो उससे भी सभी मसल्स टोन्ड अप होते हैं। तो ये कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो की जा सकती हैं, बड़े आराम से घर पे बैठ के की जा सकती हैं। इसलिए जैसे शंख बजाना है, कभी आप ये जो अपना हरमंदिर साहिब है अमृतसर में, कभी आप जाएंगे वहां पर 3:30 बजे सुबह में जो झांकी निकलते हैं, उसमें भी शंख बजाई जाती है। वो अगर बड़ा होता है उनके पास में, आपने कभी देखा होगा, देखा तो मैंने। ये जितने भी सनातनी हैं, मैं तो सिखों को भी सनातनी मानता हूं, बिकॉज सनातन के ही ऑफशूट है ये। आप सरप्राइज होंगे, जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं कि जट कौन है। ये जट नाम ये कहां से आया, कभी सोचा आपने? भगवान शंकर की जटा से जट आया है। अगर किसी को नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। तो ये जट जो है ना, भगवान शंकर की जटा से आए हैं, विच इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो तो ये अभी आपने बोला शंख और आपने बोला बैलून फुलाना, गुब्बारा फुलाना, लेकिन मैं दर्शकों को एक सलाह दूंगा, जिनको लूज मोशन है वो ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि वो गड़बड़ वो करेगा। वो गड़बड़ करेगा। चलो तो एक, एक दिन की बात है। हाँ, तो उसमें चेहरे को टोन अप करने के लिए आपने ये बड़ा अच्छा उपाय बताया, और मुझे लगता है कि हमारी माताएं बहनें बच्चियां जो, उनको ये चीज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि फेस जो है वो जाके पार्लर में भी उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगी जितना आपकी इस एक्सरसाइज से बढ़िया कर लेंगी। लेकिन अब आए कि चेहरे को देख के बीमारियां तो आपने बता दी, चेहरे को देख के आपने ये बता दिया कि कैसे कैसे पता लगाया जाता है, लेकिन ठीक कैसे करें? आपने, आप अक्सर जो डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, डॉक्टर आचार्य मुनीष हैं, और या फिर आप हैं, अक्सर बात करते हैं कि खाने पीने से जो है हम लोग बीमारियों को भगा सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदर से एक सवाल उठता है कि खाने पीने से, ये तो ठीक हो गया कि बॉडी के अंदर जो है वो उल्टा सीधा खाया, उसने बॉडी के अंदर गया, उसने अंदर जाके वो बीमारी फैलानी शुरू कर दी, या कहीं ब्लॉकेज कर दी, या कहीं अंदर वो पचा नहीं ये सही ढंग से, या इस तरह से अंदर बीमार कर दी, लेकिन खाना अंदर जाएगा तो क्या करेगा? वो जो आपने बदला उसमें अंदर जाके वो क्या करेगा, कैसे, उसके पीछे की साइंस क्या है?
आप देखें बॉडी में एंट्री पॉइंट्स दो ही हैं, नाक या मुंह, तीसरा कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। नाक से आपने कुछ खाया नहीं होगा, नाक से सांस लिया होगा और मुंह से आपने कुछ खाया होगा। इसीलिए मैं एक फिलोसॉफिकल बात बोलूंगा पहले, ये बोलने के पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जुबान पे लगाम है तो तीन लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा। अगर खाने के लिए जुबान पे लगाम है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए जुबान पे लगाम है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और इन तीनों से प्रोफेशनली वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ इस पे लगाम लगाना है कि बाहर क्या निकल रहा है, अंदर क्या जा रहा है। बाहर बातें निकलती हैं, अंदर खाना जाता है, ये दोनों पे अगर प्रहरी हो तो जिंदगी ठीक चलती है। ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये कई पॉलिटिशियंस के लिए भी है, कई लोगों के लिए है जिनको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कई चीजें हम ऐसे बोल जाते हैं जो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही बुमरैंग कर रहा है। मैं इसको दूसरी रिफाइंड लैंग्वेज में भी बोल देता हूँ, अक्सर अपने कई प्रोग्राम्स में भी मैंने बोला है कि बोलना क्या मतलब, बोलना तो इंसान जो है वो एक साल की उम्र में सीख जाता है, इंसान बोलना एक साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है कई बार उसको सारी जिंदगी पता नहीं चलता क्या बोलना है। इसी वजह से वो फिर जुबान, यही जुबान जो इज्जत करवा देती है और यही जुबान जो है वो जूते भी पढ़वा देती है। बिल्कुल सही बात। तो ये है नाउ, आप देखें अगर आप ठीक से गौर करें, वी आर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, इस पूरे ब्रह्मांड के हम पार्ट हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम केयर टेकर हो सकते हैं, मालिक नहीं, हम केयर टेकर। तो एक और जानवर दिखा दीजिए जो अपना खाना पका के खाता है, कोई भी नहीं, दिखाइए मुझे, कोई भी नहीं, तो आप एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? माने सबके लिए रूल अलग, आपके लिए रूल अलग, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान ने हमारा दिमाग विकसित कर दिया है, तो हम उल्टा सीधा करना शुरू हो गए। दिमाग हमारा विकसित तो किया है कि अच्छे कामों में लगाया जाए, लेकिन हमने उसको कुक करके खाना शुरू कर दिया, हमने उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया। तो आपको अगर ये लगता है कि दिमाग ज्यादा इंसानों का विकसित है, तो मुझे एक दो बातों का आप जवाब दीजिए। आर्कटिक सर्कल से, जिसको साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया बिल्कुल आर्कटिक सर्कल पे है, वहां से साइबेरियन क्रेन्स तरन तारन तक पहुंच जाती हैं, यहाँ पर आते हैं, आधी दुनिया घूम के आते हैं, बिल्कुल आ जाती है, पक्षी जो होते हैं उनको रास्ता कौन बताता है? वो सेम टाइम सेम प्लेस सेम सेम मतलब वो सेम डायरेक्शन से आती हैं, वो क्या रास्ता याद करते हैं? आधी दुनिया का रास्ता याद है उनको? उनके पास तो मैप भी नहीं है। और आपने उनको कम विकसित समझा है, ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। आपने आपको ज्यादा काबिल समझने के चक्कर में आज इंसान फंस गया है। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को बंदी बना के रख दिया है, क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा काबिल समझने लग गए हैं। हमें हम्बल डाउन कर जाना चाहिए, कॉस्मोस की तरफ बो करना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ नहीं आता है, जब तक हम स्थिति में नहीं आएंगे। वो मुझे नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आता है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी बातें हम ये कंक्लूजन, ये सर्टिफिकेट हमें किसने दिया कि हम ज्यादा विकसित हैं? हमने खुद को ही सर्टिफिकेट दे दिया। हमने कभी किसी से पूछा, किसी जानवर से, हाँ भाई हम ये सर्टिफिकेट खुद को देने जा रहे हैं, हम बहुत विकसित हैं, तो तुम क्या अग्री हो इससे? हमने कभी किसी से पूछा नहीं। और हमें
इसी बात को नजरअंदाज करने के चक्कर में पूरी प्रकृति इंसान को नजरअंदाज कर रही है, इंसान को दिख नहीं रहा है। सही बात है, सही बात। तो फिर भटकी हुई बात से हम फिर वही आते हैं, खाना जो है बॉडी के अंदर। आपने बोला कि जबान पे लगाम दो तो वो तीन लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, डॉक्टर, वकील और पुलिस से। तो डॉक्टर, वकील और पुलिस से, ये तो बात मेरे को समझ में आ गई, लेकिन खाना अंदर गया, गलत खाना और सही खाना, इसको थोड़ा सा जाते जाते टच कर दें। यस, तो आप ये समझें कि कोई भी जानवर आपके खाने के लिए बना नहीं है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस अपने आप को बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन का नेचर ने कोई क्राइटेरियन बनाए हैं, शेर नॉन वेजिटेरियन है। तो शेर के कभी क्लॉज देखें, उसके हाथ में क्लॉज होते हैं चमड़ी फाड़ने के लिए, आपके हाथ में है, उसके दांत लिप से बाहर निकले होते हैं, गड़ाने के लिए चाहिए होते हैं, वो आपके हैं, तो फिर ऊपर वाले ने बनाया नहीं है आपको, फिर आप बंतु ना बनिए। और पूरी दुनिया में कोई भी अपना खाना पका के नहीं खाता है। अगर आपको मांस खाने का इतना शौक है तो रॉ खाइए और देखिए क्या होता है, उसमें टेस्ट ढूंढिए, उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हर चीज टेस्ट के लिए करें तो बीमारियां होती हैं, हेल्थ के लिए करना जरूरी है। इसलिए हम कभी भी हंटर गैदरर्स थे नहीं। मैं इनफैक्ट कभी कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए तो मैं उससे बहस करना चाहूंगा कि आपने इंसान को हंटर गैदरर्स बोला, हंटिंग हम कब करते थे, सेल्फ डिफेंस में, कोई जानवर हमें ना मार दे इसलिए हम मार दे, लेकिन हम केयर टेकर थे, हम कभी भी हंटर्स नहीं थे, जानवरों को मारने के लिए नहीं जाते थे, कोई हमें ना मार दे तो सेल्फ डिफेंस में मारते थे, कभी हंटिंग नहीं करते थे। और जो पेड़ों से गिर जाता था नीचे गैदरर्स, वो गैदर करके खाते थे, तोड़ते भी नहीं थे, पेड़ों की इज्जत करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, क्योंकि यही फलदायी है। आज हमें इतने सालों बाद रायो डी जेनेरो से जो एनवायरमेंट की चीजें निकली वो आज तक चल रही हैं कि एक्चुअल भगवान तो ये पेड़ है। हम ये बात कहीं ना कहीं भूल चले थे। और हम जब पेड़ों की पूजा करते थे तो हमें देख के बाकी लोग कहते थे इनको विकसित करना पड़ेगा, ये पेड़ों की पूजा करते हैं, आज पूरी दुनिया कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसी का जो पौधा है, हम लोग अगर उससे उस पत्ते भी लेने होते हैं तो उनको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेके हाथ जोड़ के फिर उनके पत्ते लिए जाते हैं, ये धारणा है, ये मान्यता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये दर्शाता है कि हम लोग जो है वो जीवनदायी चीजें हैं, जो उनको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनकी तो वो प्रकृति हमारी रिस्पेक्ट करनी छोड़ देगी। प्रकृति हमारी माँ है जी, वो रिस्पेक्ट ना भी करे लेकिन वो कभी नाराज ना हो, क्योंकि अगर वैसे वैसे होता है तो माँ कई बार दुर्गा माँ भी बन जाती है। ये बात समझने वाली है। दूसरा ये है कि जो आप खाने की बात कर रहे थे, कोई भी खाना टेस्ट के लिए तो ठीक है, टेस्ट भी जरूरी चीज है जिंदगी में, ये मैं मानता हूं, लेकिन हेल्थ के लिए भी खाना खाना जरूरी है। हेल्थ के लिए रॉ फूड, जिसको आग ना दिखाया हो, इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि हमेशा मान लीजिए ये डाइट, वो डाइट, कीटो डाइट, आजकल कई डाइट्स मार्केट में हैं। एक सिंपल तरीका जिससे हम खाना भी खा लें और हमें बीमारियां भी ना हो और अगर हो तो ठीक भी हो जाएं, इसका कोई एक सूत्र उपाय है? हाँ है। एक, आप दो बार खाना खाएं। दूसरा, दो बार में 50% आपका खाना वो हो जिसमें ऊपर वाले की आग लगी हो, इंसान की आग ना लगी हो, कच्चा। जिस खाने में इंसान की आग लग गई उसमें आग लग गई, इन्फ्लेमेशन जो हम लोग बात कर रहे थे कोई एक आपके पुराने वीडियो में, इनफ्लेम्स, ये फ्लेम्स हमने आग दिया है खाने को, तभी हम इनफ्लेम्ड हो रहे हैं। अगर हमने आग ना दिया होता तो हम इनफ्लेम ना होते। उसी तरह 50%
आप जो भी खा, आप मान लीजिए सुबह से शाम तक 3 किलो खाना खा रहे हैं, मान लीजिए उसमें से 1.5 किलो खाना ऐसा होना जरूरी है जिसमें आग ना दिखाई हो, तो चीजें ठीक चलेंगी। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को कि खाना आपने बताया भी टेस्ट के लिए भी खाना चाहिए, टेस्ट भी जरूरी है बॉडी के शरीर जरूरी चीज, जिंदगी में अगर टेस्ट नहीं है तो फिर बेरंग हो जाती है जिंदगी। लेकिन टेस्ट के लिए अभी सवाल ये उसको, क्योंकि दर्शक भी ये पूछेंगे, टेस्ट के लिए अगर खाना हो तो कितना खाएं? अगर मतलब मान लीजिए कि हमें हमने टेस्ट भी देखना है और उसका करना है, कितना खाना हमें टेस्ट के लिए खाना चाहिए ताकि वो शरीर भी खराब ना हो और वो हमारा टेस्ट भी पूरा हो जाए? अगर अगर कोई बीमारी नहीं है तो 50% आप जो भी खा रहे हैं आप कुक्ड फूड खा सकते हैं और वो टेस्ट के लिए खा सकते हैं। और टेस्ट एक जरूरी है क्योंकि पांच इंद्रियों में से एक इंद्रिय है टेस्ट, तो उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। लेकिन रेस्ट ऑफ द 50% शुड बी रॉ फूड, जो न्यूट्रिशियस फूड, जो न्यूट्रिशन के लिए ये खाया जाए। आप देखिए ना, मुझे एक साइंस ही कोई दिखा दे, जैसे आपने कभी गौर किया हम सीड्स खाते हैं, दाल क्या है, सीड है, चावल क्या है, रोटी क्या है, सीड ही है, अभी सीड है। तो ये सीड जैसे दाल आपने बॉईल कर लिया तो उसमें से कुकर में से निकाल के जमीन में गाड़ेंगे तो पेड़ तो नहीं उगेगा क्योंकि वो डेड फूड है। डेड फूड है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डेड फूड आपको लाइफ कहाँ से दे रहा है? अरे क्या बात है, क्या बात है, इससे बढ़िया तरीके से क्या समझा सकता है कोई? बिल्कुल सही बात है। जो चीज निकाल के पकी हुई चीज जब को हम लोग जाकर गाड़ कर उसको उसमें से जिंदगी पैदा नहीं कर सकते, वो शरीर को क्या जिंदगी देगा? बहुत बढ़िया। तो डेड फूड आपको लाइफ नहीं दे सकता है, लाइफ फूड्स लाइफ देंगे, डेड फूड डेथ देगा। तो हमें ये प्रोपोर्शंस खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आपने ये जानकारियां दी हैं और औरतों को सुंदर बनाने के लिए भी आपने बहुत बढ़िया जो है वो तरीका बताया है। और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात जो इस वीडियो की लगी होगी वो दोबारा घुमाकर इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उतना पार्ट सुंदर कैसे दिखे। तो मुंह बना बना कर अगर किसी के मुंह में दांत नहीं है तो नकली जो है वो चबाना शुरू कर देंगे, तो वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज होगी। गुब्बारा फुलाना, शंख बजाना, तो ये अपने आप में कुछ एक्सरसाइज होंगी जिसने इससे जो है वो चेहरा जो है वो उसमें चमक आएगी, सुंदरता उसकी बढ़ेगी, बीमारियां भी उसमें क्योर होंगी, ठीक होंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने एक बार फिर जो है वो नए तरीके से आप नए विचार से हम पब्लिक के सामने आप आए हैं और आपने अपना विचार पब्लिक के सामने रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए मेहमान के नाल, उदो तक मैनू दियो इजाजत। बीपी, शुगर, फैट लिवर जैसी बीमारियों को करें रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।